आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं दिनेश सर। दिनेश सर का आज टॉपिक बहुत ही डिफरेंट शायद है। सर, आप ही बताइए आज का आपका टॉपिक। नमस्ते ऑल ऑफ यू। नमस्ते शिखा जी। नमस्ते। आज का जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है वो टॉपिक है स्वांश कुंडली। अच्छा, स्वांश का इसलिए मैंने लिया है कि मैक्सिमम लोग कारकांश लगन और स्वांश का जो लगन है उसमें कंफ्यूज होते हैं, और उसमें कंफ्यूज ऐसे होते हैं कि कुछ लोग तो स्वांश को ही कारकांश लगन मान करके उसको रीड करते हैं, जबकि ये सही तरीका नहीं। स्वांश जी लगन का पर्पस अलग है और कारकांश लगन का जो पर्पस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जैसा मैंने बताया कि कारकांश या स्वांश की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है आपका जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से। तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या होता है, सबसे पहली चीज ये है कि हमें देखना होता है कि आपका आत्मकारक ग्रह वो कौन है। जी ठीक है, आत्मकारक ग्रह जो है वो है आपका जिसकी हाइएस्ट डिग्री है, ये सबको पता है आप लोगों को। सेकेंड हाइएस्ट जो रहेगा वो है आपका अमात्यकार का। थर्ड हाईएस्ट डिग्री जो है वो आपका बीके हो जाता है, भातृकार का। फोर्थ हाईएस्ट जो है आपका एमके, मातृकार का। फिफ्थ हाईएस्ट है वो आपका पुत्रकार का। छठा जो अंश है वो हो जाएगा आपका गणातिकार का या ज्ञातिकार का। और जो सबसे ज्यादा लेस डिग्री जिस प्लेनेट का है वो है आपका ताराकार। इजी वे में समझने के लिए, अगर इसको कॉन्सेप्ट को आप इजी वे में समझें, तो सीधी सी बात यह है कि पहला भाव जो है आत्मकारक है वो आपको रिप्रेजेंट करता है। अमात्य कारक का सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है, भाई बहनों को आपका थर्ड हाईएस्ट बी की रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ हाउस आपका मातृकार का आपका मदर को रिप्रेजेंट करेगा। फिफ्थ हाउस पुत्रकार का आपकी संतान वगैरह को रिप्रेजेंट करेगा। छठा भाव आपके जीवन में संघर्षों को या मामा को या कजन्स के लिए भी माना जाता है, जो कि गणाधिकार का है। सेवंथ जो है वो आपका तारा कारक का है, और हम लोग यहाँ पर सात ही चर कारक यूज में लेने वाले हैं। तो देखिए, स्वांश कुंडली और कारकांश कुंडली बनती कैसे है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आत्मकारक ग्रह जो है आपका, जो भी प्लेनेट आपका आत्मकारक बना है, उसको हम लोग नवमांश में लेकर के जाते हैं। और नवमांश में ले जा करके हम लोग ये देखते हैं कि वो कौन सी राशि है। ओके, तो एक तरीका ये है कि हम लोग नवमांश कुंडली के अंदर ही जहां पर भी आपका आत्मकारक गया है उसको ही हम लोग लगन बना लेते हैं, और उसको जब हम लोगों ने लगन बना लिया तो वो बेसिकली आपकी स्वांश कुंडली बन जाती है, जिसको बहुत से लोग जो है आपका कारकांश लगन मानते हैं, जबकि वो ऐसा है। अब कारकांश लगन क्या है, तो कारकांश लगन बेसिकली वो जो राशि आई है आपकी आत्मकारक की, नवमांश की राशि, उसको हम लोग लगन चार्ट में लेकर के जाते हैं, और वो राशि जहां पर भी आपके लगन चार्ट में हो उसको हम लोग लगन बनाते हैं, तो वो कारकांश लगन। तो ये डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट। देखिए, स्वांश कुंडली बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है। स्वांश कुंडली से हम लोग बेसिकली देखते हैं कि आपके चार्ट के अंदर राजयोग किस तरीके से बना, और चर कारक। देखिए, आत्मकारक ग्रह बेसिकली या चर कारक ग्रह आपके बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये आत्मिक लेवल के ऊपर आपके रिजल्ट्स आपको प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो स्वांश कुंडली को लेकर के जो आज का जो मेरा स्टेप है, सिर्फ चार स्टेप है मेरे यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपका आत्मकारक ग्रह है उसको हम लोग नवमांश में देखेंगे, और नवमांश में ले जा करके हम लोग उसको लगन बनाएंगे, तो ये आपका स्वांश कुंडली बन गया। दूसरा स्टेप मेरा ये होगा कि देखिए, जीवन में जो सबसे ज्यादा संघर्ष किसी को प्राप्त होते हैं तो वो हम लोग जानते हैं कि 6, 8 और 12वां भाव है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जब स्वांश कुंडली हम लोगों ने बना ली तो हम लोग यहाँ पर जाकर के देखेंगे कि साहब आपका भी, जब स्वांश कुंडली हम लोग बना लेंगे तो लगन में आपका जो भी आत्मकारक है वो प्लेनेट आ जाएगा। अब उसके छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में जो भी प्लेनेट्स आएंगे तो उनके कारकत्व हम लोग देख लेंगे कि वो कौन सा चर कारक बनता है ना। तो आज का जो मेरा विषय है वो तारा कारक को लेकर के विषय है कि देखिए, बहुत बार क्या होता है जीवन के अंदर कि हम लोग देखते हैं कि आपका सेवंथ लॉर्ड इन अ लगन कुंडली बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर है। सेवंथ लॉर्ड से कोई स्थिति या ऐसी स्थिति नहीं बनती कि व्यक्ति के विवाह जीवन में कोई परेशानी नजर आ रही, या बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को सेवंथ लॉर्ड या सेवंथ की स्थिति हम लोग जब देखते हैं लगन चार्ट में तो ऐसा लगता है कि सब बहुत अच्छी, लेकिन वहां पर हम लोगों को तारा कारक प्लेनेट को देखना भी बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब दारा कारक की स्ट्रेंथ बेसिकली देखने के लिए, आपके चर कारकों की स्ट्रेंथ एक्चुअली में आपकी लाइफ में क्या है वो देखने के लिए हम लोगों को स्वांश कुंडली को देखना। तो डायरेक्ट एग्जांपल पे चलते हैं। जी सर। तो पहली चीज है स्वांश कुंडली बनाना, उसके बाद देखेंगे 6, 8, 12 हाउसेस देखेंगे,
वहां पर जो भी कारक बैठा हुआ है वो हम लोग देखेंगे कि वहां पर व्यक्ति के जीवन में वो जो स्ट्रेंथ है उसका थोड़ा सा लूज हो रहा है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या उसके अंदर राहु केतु का भी प्रभाव आ रहा है। अगर राहु केतु का प्रभाव आ रहा है, 6-12 houses है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। प्लस वहां पर एक गणाती कारक है जो कि कारक है आपका 8-10-12 house है ना। तो अगर वहां पर 6-12 है और वहां पर जीके का भी एस्पेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पर स्थितियां थोड़ी सी ज्यादा विचारणीय हो जाएंगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि आपकी चर कारक की स्ट्रेंथ कैसी, राइट। और इसमें देखिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन करके आएंगे। ऐसा नहीं है कि 6-12 houses ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करें। बहुत बार ऐसा होता है, छठा भाव बेसिकली आपके लिए कॉम्पिटिशन का कारक है। तो हम लोग ये कहेंगे कि विवाह जीवन में आत्मिक लेवल के ऊपर यदि देखें, अगर मैं दारा कारक को देख रहा हूँ, तो दारा कारक आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो मैं वहां जाकर के कहूंगा कि वहां पर जो विवाहित जीवन है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं संघर्षों की स्थिति बनेगी। विवाह जीवन में आपको संघर्ष प्राप्त, खराब नहीं होगा विवाह जीवन, ठीक है। खराब होना या नहीं होना होगा, शादी होगी, विवाह होगा अथवा नहीं होगा, ये सिर्फ हम लोग स्ट्रेंथ देख रहे हैं दारा का, ठीक है, पॉइंट्स में। विवाह जीवन हम लोग यदि जेमिनी से देखेंगे, तो हम लोगों को उपद लगन देखना बहुत ज्यादा आवश्यक। तो फाइनल कंक्लूजन आप जाकर के उपद लगन से आप निकालिए कि फाइनल कंक्लूजन क्या है। यहाँ पर एक मोटा सा हम लोगों को आइडिया मिलेगा कि उसकी स्थिति क्या है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका दारा कारक प्लेनेट जो है आपका ट्राइनल हाउसेस के अंदर बैठा हुआ है या केंद्र हाउसेस के अंदर बैठा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। ओके, अच्छी स्थिति तो है, लेकिन वहां पर जीके का एस्पेक्ट उनके ऊपर आ रहा है या राहु केतु का संबंध वहां पर बना हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर स्ट्रेंथ होने के बाद भी लाइफ के अंदर संघर्ष आपके बनेंगे, बहुत छोटी सी। तो एग्जाम्पल चार्ट लेने हम लोग एक बार, जी सर। तो देखिए ये जो चार्ट है, ये चार्ट बेसिकली जो मैं ले रहा हूँ, ये इनका डिवोर्स हुआ है। अब जाकर के मुझे सबसे पहला जो मेरा स्टेप है, यहां पर आप देखिए कि आत्मकारक प्लेनेट कौन है। सर सन है, और दारा कारक कौन है यहां पर, मर्क्यूरी। बुध है, और गणाती कारक का जो है आपके संघर्ष पैदा करने वाला प्लेनेट कौन है, आपका शनि। शनि। तो हमारा पहला स्टेप यह है कि मुझे नवमांश कुंडली में जाना है। तो मैं नवमांश कुंडली मैंने यहाँ पर ओपन कर ली इस जगह पे, या एक काम करते हैं चक्रास ओपन करते हैं। ये आपके सामने नवमांश कुंडली आ गई है। तो हमारा आत्मकारक प्लेनेट कौन है, सन। सन है। तो मैं नवमांश कुंडली में जाऊंगा, और सूर्य देखिए आप सिंह राशि में बैठा हुआ है, जी। मैंने इसको लगन बना लिया। ओके, अब ये जो है मेरे सामने स्वांश कुंडली आ चुकी है ना। अच्छा, अब मेरे पास में दारा कारक प्लेनेट कौन था, मरकरी। मरकरी। तो जो मैंने बताया यहां पर कि आपके स्वांश कुंडली में छठे, आठवें और 12वें भाव में कौन से प्लेनेट बैठे हुए, वो मुझे देखना है। तो यहां पर आप देखिए कि बुध जो है दारा कारक प्लेनेट है, तो इसका मतलब ये है कि विवाह जीवन के अंदर ये शो कर रहा है कि इसका स्ट्रेंथ जो है आपस के बीच में, जो जो कॉम्बिनेशन है वो स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। संघर्ष की स्थिति यहां पर बनी हुई है दोनों की। इवन नाती अगर कारक मैं का कहूँ साथ में, और अब उसके साथ में बैठा हुआ कौन है, तो 6th house तो मेरे सामने आ गया। ओके, जी। 6th house आ गया मेरे सामने। अब 6th house के साथ में मुझे देखना है कि क्या यहाँ पर जीके का एस्पेक्ट भी है, ज्ञाति कारक का। तो शनि इज ज्ञाति कारक का ना, करेक्ट। तो यहाँ पर बुध और शनि दोनों बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब जो विवाह जीवन के अंदर संघर्षों की स्थिति बनने वाली है दोनों की, और जो स्ट्रेंथ है दारा कारक का वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं। इवन दोनों का एस्पेक्ट जो है, अगर मैं राशि दृष्टि का एस्पेक्ट देखूं, तो राशि दृष्टि का एस्पेक्ट आपके सूर्य के ऊपर आता जी। है ना। अगर मान लीजिए इसी चार्ट के अंदर यहाँ पर शनि नहीं होता, है ना, तो ये स्थिति इतनी ज्यादा विकट नहीं होती। सिंपल सा सूत्र है, हाँ, बहुत ही सिंपल सर, बहुत है। बहुत भाई ही सिंपल। मुझे जो है स्वांश कुंडली को लगन बना लेना है, और उसको लगन बना करके देखना है 6-12 में कौन से प्लैनेट्स हैं, क्या उनका संबंध ग्रांति कार का जीके से बनता है या नहीं बनता, इतना सा काम है ना। अच्छा देखिए, ये जो चीज है, आप अगर स्ट्रेंथ देखें, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ आप लगन चार्ट में देखिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं लगन चार्ट पे नहीं जा रहा हूँ।
मैं सिर्फ स्वांश कुंडली के ऊपर जा रहा हूँ, अगर आप लगन में देखोगे तो वहां पर भी उसका एफ्लिक्शन आपको नजर आए, तो पहला एफ्लिक्शन आपको लगन चार्ट में नजर आ जाएगा दारा। हाँ, वो तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके। आज का जो टॉपिक है हमारा एंड अ ब्यूटीफुल न्यूज, अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक, बहुत ही सिंपल टेक्निक था सर। दूसरा एग्जांपल ले ले कोई। यस ये देखिए सलमान जी का चार्ट है, सलमान खान जी का चार्ट है। अब इनका जाकर के हम लोगों को वही चीज देखनी है कि यहाँ देखें कि आत्मकारक प्लेनेट कौन है। सबसे पहले देखें आप मर्करी था आत्मकारक प्लेनेट। दाराकारक प्लेनेट कौन है? मून, चंद्रमा आ गया। और ज्ञातिकार का कौन है? जुपिटर, गुरु जुपिटर। तो ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो है आत्मकारक आपका बुध है, आपका दाराकारक चंद्रमा है, और जो ज्ञातिकार का यहाँ बनता है वो आपका गुरु है। ओके, अब मुझे डायरेक्ट जो है आपका स्वांश कुंडली के ऊपर जाना है कि स्ट्रेंथ क्या है एक्चुअली आपका दाराकार। तो चक्रास के ऊपर आप जाइए। अब आप यहां देखिए कि सबसे पहला स्टेप है कि आपका बुध जो आत्मकारक है वो कौन सी राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ मकर नवमांश में है, मकर नवमांश, तो मकर को मैंने लगन बना लिया और ये मेरी स्वांश कुंडली बन चुकी। जी सर, अब मुझे यहाँ पर जाकर के देखना है कि साहब दाराकारक प्लेनेट जो है आपका उसकी डिग्निटी क्या है। तो दाराकारक चंद्रमा था ना? जी सर। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि चंद्रमा जो है टेंथ हाउस में बैठा हुआ, जी। तो टेंथ हाउस इन जनरल इज अ गुड पोजिशन, अच्छी पोजीशन है ना, क्योंकि लगन से अगर टेंथ हाउस देखे तो दिस इज ना स्ट्रेंथ, क्लीन है स्ट्रेंथ। बट उसके साथ में बैठा कौन है? तो गणाधिकार का जुपिटर है और केतु वहां पर आ रहा है साथ। आई टोल्ड यू कि आपका 6 से 12 राहु केतु तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो आती है। हालांकि देखिए कोई भी व्यक्ति की विवाह जीवन कैसा होता है, फाइनल कंक्लूजन आप पद लगन से जाकर के लगेंगे। ये एक सिंपल सा रूल है, सिंपल सा है कि बहुत से लोग होते हैं ना कि साहब हमारा विवाह जीवन में साहब क्लीन सोल है कि नहीं है, क्लीन सोल है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जिनका भी डीके और एके का जो संबंध है, केंद्र त्रिकोण का संबंध बना हुआ है और अनएफ्लिक्टेड है, तो वो अच्छी चीज है। एक चार्ट और ले लें आप कहें तो लास्ट चार्ट। जी सर, ये चार्ट जो है इंदिरा गांधी जी का चार्ट है, वही हम लोगों को करना है यहाँ पर। बेसिकली सबसे पहले हमें देखना है कि इनका आत्मकारक प्लेनेट कौन है। शनि, ठीक है, शनि इज आत्मकार का। दाराकारक प्लेनेट कौन है यहाँ पर? सूर्य, सूर्य दाराकारक प्लेनेट है। और जो तीसरा प्लेनेट है आपका जीके, वो कौन बनता है यहाँ पर? गणाधिकार का मून बनता है, मून चंद्र, चंद्रमा। तो मैं सीधा यहाँ पर चक्रास के अंदर जाऊंगा और चक्रास में जाकर के सबसे पहले D9 चार्ट लूंगा और D9 चार्ट में जाकर के मुझे देखना है कि आत्मकारक जो प्लेनेट है वो किस नवमांश में। तो यहाँ पर शनि जो है मकर नवमांश में है, तो शनि जी ना मकर नवमांश, ठीक है। अब मुझे जाकर के देखना है कि साहब दाराकारक की पोजिशन क्या है यहाँ पर। तो दाराकारक यहाँ पर देखिए कौन से भाव में आता है आपका? 8th हाउस के अंदर आ गया, आठवें घर में आ गया, चंद्र का एस्पेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज होती है कि 6, 8, 12 भाव, तो छठा भाव बेसिकली आपके संघर्षों का है, अष्टम स्थान आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस का है, और 12वां भाव बेसिकली आपके लिए लॉसेस के लिए मानते हैं ना, प्रॉब्लम्स के लिए मानते हैं। तो यहाँ पर शनि जो है आत्मकारक से जो दाराकारक की पोजिशन है वो आपके अष्टम स्थान है, क्योंकि शुभ नहीं। अब तीसरी चीज है कि क्या गणाधिकार का यहाँ पर संबंध है? तो आप यहाँ पर देखिए कि राशि दृष्टि जो है वो आपके डीके के ऊपर नहीं है, नहीं है ना, राशि दृष्टि नहीं है, लेकिन ठीक है ग्रह दृष्टि यहाँ पर है तो देख सकते हैं। तो बाकी हम लोग क्या कहेंगे कि भाई शनि से आपका आत्मकारक से आपका दाताकारक ग्रह जो है वो अष्टम है, तो लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से ना मेरिट है, तो वो इनकी लाइफ के अंदर इनको प्राप्त हुआ है। कितना था सोच, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका केंद्र में आ जाएगा या त्रिकोण में आ जाएगा, वहां पर जाकर के सिंपल ये है कि आपका स्ट्रेंथ में आ जाएगा। सपोज कीजिए दोनों के दोनों साथ में हो, ए के और आपका डी के, तो वहां पर वो राजयोग कारक बन जाएंगे, राजयोग बना देंगे आप, है ना, केंद्र और त्रिकोण के राजयोग बनते हैं, राजयोग यहाँ पर। और अगर उनके अंदर डीके का एस्पेक्ट आ गया या राहु केतु आ गया, तो इसका मतलब यह कि राजयोग या राजयोग जो है वो बना हुआ है, डिग्निटी है, स्ट्रेंथ में आपका दाराकारक है, दाराकारक की पोजिशन अच्छी है, लेकिन
फिर भी वहां पर समस्याएं आपके जीवन में कहीं ना कहीं मिलेंगे, इतना सा। बहुत ही सुंदर सर, वेरी सिंपल। आज का जो एक लाइन का रूल है, सिर्फ एक ही सेकंड में, आई विल रिपीट इट इन इंग्लिश। गो टू द चार्ट, फाइंड आउट योर आत्मकारका। आत्मकारका इज द वन विद द हाईएस्ट डिग्री, एंड देन सेकेंडली सी धरकारका एंड ऑल्सो ज्ञातिकारका। गो टू द D9 एंड मेक द wherever the Atmakaraka is placed as the D9 ascendant of that nomad, and then see the relation 6, 8, 12. If the Dharakaraka is in 6 or 12 having relationship with Natikaraka, then there the marriage is problematic and it is a challenging marriage. The rule is so simple. Bahut shukriya sir, सर का हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल वेबिनार है जो पब्लिक डिमांड पे वापस से कर रहे हैं हम लोग, एंड विवाह जीवन, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स वो वेबिनार में लिए जाएंगे जो कि आपको विवाहित जीवन कैसे है और कैसे परखा जाए, लव मैरिज, डाइवोर्स है कि नहीं है, सेपरेशन है कि नहीं है, ऑल दीज थिंग्स वो वेबिनार में सर हमको सिखाने वाले हैं। ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ बने रहे और संपर्क करें। आपका बहुत दिल से आभार है कि आप हमारे वीडियोस देखते हैं, सर के वीडियोस पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं। इनका जो लास्ट वीडियो था वो तो इतने सारे कमेंट्स मुझे पर्सनल भी आए थे, मैसेजेस सर के पास भी गए थे आई थिंक। सो बहुत ही थैंक यू व्यूअर्स, वी आर इंडीड वेरी ग्रेटफुल दैट यू फॉलो अस एंड वॉच अवर वीडियोज। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।